और यार आज तो हमारे रैबिट के लिए लूसन भी नहीं है यार। मुझे लगता है यहाँ पे ना कोई चूहिया बैठी हुई है जो बहुत ज़्यादा गंदगी करती है। देख रहे हैं आप, ये देखें। और हमारी बत्तखों ने देखे दोस्तों आज भी कोई अंडा नहीं दिया यार, इतने दिन हो गए इनको, पता नहीं क्या हुआ है। सीधे 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 चलती है, एकदम टेढ़ी हो जाती हैं। अभी फटाफट भाई यहाँ का भी बर्तन उठा देते हैं और मुर्गे को भी खोल देता हूँ यार। चलो भाई सबसे पहले तुम बाहर आ जाओ, ठीक है ना। और भाई हमारा ये वाला जो पिंजरा था ना दोस्तों, ये फिर से भाई खाली हो गया है, जितने भी चूजे थे ना सब के सभी मर गए। चलिए जी, फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ का पर्दा भी उठा दिया है और भाई अब बारी है हमारे बत्तखों को खोलने की, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले अपना परिंदों पर भी नज़र मार लेते हैं, करीब आए तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं आपको आज अपना बजीज के बेबीज़ दिखाता हूँ जो इसने काफ़ी ज़्यादा बड़े कर दिए हैं। एक मिनट पहले लाइट तो जला लूँ यार, लाइट अंदर नहीं आएगी। ये देखें माशाल्लाह भाई, तो दोस्तों हमारी मादी ने फिलहाल भाई दो ही बच्चे निकाले हैं और माशाल्लाह भाई इसी के कलर के लग रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा भाई कि कलर कैसा चेंज होता है। तो चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, तुम अपने बच्चों को अच्छे से पालो। तो दोस्तों ये मादी भाई अच्छी कारामत हुई है हमारे पास, मतलब ये अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही है। इस वाली मादी और नर की तरह नहीं है। तो भाई इसके भी बॉक्स खोल के देखते हैं, काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ ये भी अंदर जा जाकर बैठ रही है। तो भाई इसका भी अंदर की पोजिशन देख लेते हैं क्या चल रही है। तो भाई इसने भी अंडे वंडे दिए हुए हैं, ये देखें भाई अंडे दिए हुए हैं, मगर अभी तक कोई बच्चा नहीं निकाला है। और मैंने इसमें से यार नेस्टिंग जो थी ना दोस्तों सब निकाल दी थी। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, तुम भी अच्छे से अपने बच्चों को पालने की कोशिश करो भाई, क्योंकि दोस्तों ये बच्चा जो इसने एक तीन बच्चे दिए थे उसमें से दो तो मर गए, अब ये एक बेचारा बचा है और इसको भी सही से फ्लाई नहीं आ रही है। तो चलो भाई फटाफट बत्तखों को खोलने की तैयारी करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं खैरियत से हैं। तो भाई आज सबसे पहले दोस्तों हमें ना अपने मिनी जू में भाई कैमरे का काम करना है, मतलब कैमरा लगाना है, ठीक है ना भाई। क्योंकि कैमरे की लगाने की दोस्तों ज़रूरत मुझे इसलिए है यार, हम अपने पैड्स को देख नहीं पाते हैं, या हमारे पैड्स होते हैं ना यार तो मतलब बार बार मुझे ऊपर आना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब मैं जब जैसे घर पर नहीं भी होता हूँ ना तो भाई घर वालों को ऊपर आना पड़ जाता है, कुछ भी मसला होता है जैसे देखने के लिए भी ऊपर आना पड़ता है कभी कभी ना। तो भाई मैंने फाइनली ये फैसला किया है कि भाई कैमरा लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो आज का जो दोस्तों मौसम है ना भाई, ये भी कुछ गर्म गर्म है, मतलब दो दिन हो गए कराची में भाई मुसलसल गर्मी पड़ रही है, दिन में और रात में सर्दी हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है इंसानों के लिए भी और अपने पेट्स के लिए भी। तो भाई इससे बचने के लिए भाई फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर गर्मी के लिए सुबह सुबह आ गए, जैसे कि आपको पता है मैं प्लास्टिक खोल लेता हूँ, अपने बर्ड्स का प्लास्टिक खोल लेता हूँ और अपने रैबिट वगैरह मुर्गियों का और अपनी बत्तखों का सबका भाई प्लास्टिक में उठा देता हूँ। भाई तुम तो जाओ, शोर मचा के रखा हुआ है, चलो भागो। चलो ये लो तुम्हारी खुराक, मैंने वहाँ डाल दी है यार। इनके आप पर चेक करें ज़रा, कितने ज़्यादा पर करे हुए हैं, इधर भी पीछे भी पड़े हुए हैं और आगे भी कितने ज़्यादा पर करे हुए हैं। तो रैबिट जो है भाई अपनी खुराक में मसरूफ़ हो गए, ये अच्छा हो गया। चलो भाई अब इनको बंद करके ना छोटे वाले रैबिट को भी देते हैं, अभी भाई तुम्हें भी दे रहा हूँ, रुक जाओ भाई। हाँ हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, ये गिलास मेरे हाथ में देख लेते दोस्तों, बस चीख पुकार मजाना स्टार्ट कर देती हैं। मैं एक काम करता हूँ, इससे निकालने की सेटिंग बना लेता हूँ। चलो भैया भाई तकरीबन तीन से ज़्यादा मुट्ठी हैं ये। ये लो भाई ये लो, चलो बहुत ही ज़्यादा मुट्ठी हो जाती है। तो चलो भाई मुर्गियों को बंद कर देते हैं और इसके काम देखें ज़रा, ये देख रहे हैं आप। रात को ही मैंने पानी साफ किया है और दोबारा से भाई ये गंदगी करेगी, अब पानी को देखिएगा आप। ये बत्तख हमारी बहुत ज़्यादा भाई खुश होती है पानी में। तो ये देखें दोस्तों भाई, ये वाला मैंने कैमरा लिया है भाई, ये एंड्राइड कैमरा है और वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा कहलाता है, बहुत अच्छा है। तो फटाफट आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिलहाल तो मैंने थोड़ी बहुत कर ली है लेकिन फिर भी आपके सामने अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देता हूँ भाई, फ़िलहाल यहाँ रख के, ठीक है ना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये आ गया हमारा कैमरा, ठीक है ना भाई। ये देखें मतलब थैली वैली मैंने इसकी उतार दी थी यार,
ये सबसे पहले ये देखिए जी, ये कैमरा है ठीक है ना भाई। और इसका जो बकाया जो ऊपर लगता है ना दोस्तों होल्डर, वो फिलहाल भाई भाई से मैंने रात में ही लगवा दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लगवाने का मैंने इरादा बनाया है। तो दोस्तों फिलहाल हम कैमरा ना भाई इस जगह अपना लगाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ से ना दोस्तों हमारे तमाम जितने भी हमारे परिंदे हैं ना ये भी हमें नज़र आएंगे, और हमारे पेट जो सामने बंद हुए हैं ना दोस्तों ये भी हमें नज़र आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा जो हमें मिनी जू है भाई साफ नज़र हर तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये कैमरा जो मैंने लिया है भाई ये है भी चारों तरफ घूमने वाला अच्छा कैमरा है। तो भाई अभी लगा के चेक करते हैं, तमाम इसकी जो एसेसरीज वगैरह हैं वो तो लग चुकी हैं, सिर्फ हमें कैमरा फिट करना है इसके अंदर ना। तो भाई आप लोगों के साथ आज शेयर करने का मैंने पक्का इरादा बना लिया था। तो भाई बाकी सामान डब्बे में क्या क्या है, कीले वगैरह हैं और थोड़ी बहुत इसके मखल में जो कॉपी वगैरह होती है वो है। तो बस अब डब्बे का काम तो ख़त्म हो गया, डब्बे को करते हैं बंद। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई आ जाओ। ये हमने यहाँ पे कैमरा लगा रहा है भाई, ये देखिए दोस्तों मैं आपको इधर से समझाता हूँ। ये देखिए ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये वाला हिस्सा पूरा कवर करेगा ऊपर का ना हमारा, यहाँ का जितना भी बर्ड्स का हमारा एरिया है ना भाई ये हिस्सा क्या कवर करेगा। और सेकेंडली भाई हमारे ये वाला हिस्सा जो है ये देखिए यहाँ से मूव कर रहा है ना, तो ये हिस्सा हमारा पेट्स वाला हिस्सा आराम से कवर हो जाएगा। जरी खुल रहा है, थोड़ा ढीला हो गया। तो दोस्तों कैमरा तो फिलहाल मैंने यहाँ लगा दिया है, अब इसको भाई रिव्यू करने के लिए ना मुझे भाई एक और कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं नीचे जाके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो भाई फटाफट से चलते हैं नीचे और फिर वीडियो आपके साथ वहीं जाके शेयर करता हूँ, कैमरे में देखते हैं कैसा रिव्यू आता है ऊपर का। आ जाओ। काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों हमने अपने पिजन्स को भाई खोला नहीं था, तो आज मैंने सोचा अपने पिजन्स को भाई आज़ाद करते हैं। तो चलो भाई पिजन्स आज तो मुड़ जाओ, चलो भागो। आज काफ़ी दिन के बाद भाई बड़ा खुश है भाई, और आते के साथ ही देखें ये पर देखेंगे कितने उड़ लगे, दूसरा वाला खुद निकल गया भाई। ये देखें काफ़ी टाइम लग गया यार हमें कैमरे की सेटिंग करते हुए, और कैमरे की सेटिंग करते हुए टाइम तो बहुत लगा है, उसके बाद भी भाई हम नाकाम रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना भाई वाईफाई कनेक्ट ही हो रहा है। असल में ये जो कैमरे होते हैं ना भाई ये वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, और हमारा जो फ्लोर है वो 5 फ्लोर है, मतलब 5वां फ्लोर है। अब आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार वो डिवाइस होती है ना वो हमारी 1st फ्लोर पे लगी हुई है, और 5 फ्लोर पे मैं ये कैमरा लगा रहा हूँ। तो भाई इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी इशू आ रहा है आज ना, तो मैंने सोचा कि फिर भाई इसको कल पे रखते हैं इंशाल्लाह। तो पूरा प्रोसीजर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना फिर आपको दिखाएंगे कि कैमरे में लुक कैसा आता है इंशाल्लाह। फिर आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ही एंड कर देते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो पसंद आने पर उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और हमारा चैनल हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी दोस्तों जी फॉर गुड इन्फॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।